राम राम किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त हरी राम पटेल और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द एडवांस किसान में। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं धान के फसल में लगने वाला समस्त कीटों के बारे में, सभी फंगस के बारे में और इनमें कौन कौन से दवाइयों का उपयोग करना है, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ किसान भाइयों। तो जानकारी पूरा देखने के लिए किसान भाइयों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो का शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तना छेदक और पत्ता लपेटक कीटों का नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, तना छेदक और पत्ता लपेट का नियंत्रण के लिए आप लोग 505 का उपयोग कर सकते हो। 505 में क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथिन रहता है। यदि आप लोग को थोड़ा महंगे दवाई का उपयोग करना है तो कोराजन का कर सकते हो या एम्पिलिगो का कर सकते हो। किसान भाइयों, यह तो हुआ तना छेदक और पत्ता लपेट कीटों की नियंत्रण। किसान भाइयों, धान की फसल में सफ़ेद तितली का भी समस्या देखने को मिलता है, उसके उपचार के लिए हमें कलटाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP जो कि धानुका का के लाल नाम से आता है और एसिटामिप्रिड जो धानुका का धनप्रीत नाम से आता है, इन दोनों दवाई का स्प्रे करके सफ़ेद तितली को नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं लीप ब्लाइट के बारे में। लीप ब्लाइट की समस्या देखने को मिलता है तो लीप ब्लाइट के लिए किसान भाइयों आप लोग साफ पाउडर का उपयोग कर सकते हो, UPL का साफ, जिसमें केमिकल रहता है कार्बेंडाजिम प्लस मोनकोप जेप। ब्लास्ट का भी प्रकोप दिखता है किसान भाइयों, तो ब्लास्ट के लिए आप लोग ट्राईसाइक्लोजोल का उपयोग करना जो कोरोमंडल का अग्नि नाम से आता है। और शीत ब्लाइट की भी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है किसान भाइयों, तो शीत ब्लाइट के लिए आप लोग हेक्साकोनाजोल 5% SC का उपयोग करना जो बायोस्टेट का ट्रिगर नाम से आता है। किसान भाइयों, यह तो हुआ फंगस जनित रोग। अब इसके बाद बात कर लेते हैं BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर के बारे में, भूरा माहू। भूरा माहू की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है किसान भाइयों, तो भूरा माहू के लिए आप लोग चेस का उपयोग करना। चेस में जो टेक्निकल है उसका नाम है पाइमेट्रिजिन 50% WG व्हाटएवर ग्रेनुलर फार्मर, ये दवाई आता है। किसान भाइयों, धान की फसल में इसके बाद अब समस्या आता है पेनिकल माइट का, जो बहुत ही खतरनाक होता है किसान भाइयों, इसका समय रहते उपचार करना बहुत ज़रूरी है। पेनिकल माइट के लिए किसान भाइयों हम लोग सिम्बा का उपयोग करते हैं। सिम्बा में जो टेक्निकल रहता है उसका नाम है दोस्तों प्रॉपर झाइट 57% EC फॉर्म पर यह दवाई आता है। किसान भाइयों, इसके बाद धान की फसल में एक और समस्या देखने को मिलता है हल्दी रोग। हल्दी रोग के लिए किसान भाइयों आप लोग सिजेंटा का स्कोर और टील्ड दोनों को मिलाकर स्प्रे करोगे तो हल्दी रोग से निजात पा सकते हो। टील्ड में जो टेक्निकल रहता है किसान भाइयों उसका नाम है प्रोपिकोनाजोल और स्कोर में जो टेक्निकल रहता है उसका नाम है डाइफेनाकोनाजोल। इन दोनों दवाई को मिलाकर आप लोग स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और जो किसान भाई मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी को दबा देना ताकि मैं समय समय पर इसी तरह से खेती किसानी से जुड़ी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।